नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएवी मोइल पब्लिक स्कूल सीता सवांगी, आज की एक कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा चौथी में पढ़ाने जा रही हूँ नैतिक शिक्षा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नैतिक शिक्षा पुस्तक से पाठ पढ़ेंगे 16, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में आज हम पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध कौन है आप जानते हैं ना? यह जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह कौन है? यह है महात्मा बुद्ध। आइए आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे कि वह कौन थे और उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से विशेष कार्य किए और वे महान कैसे बने। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं पाठ 16, महात्मा बुद्ध। आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्राचीन समय में हिमालय पर्वत की तराई में कपिलवस्तु नाम का एक सुंदर नगर था। कब? प्राचीन समय में मतलब बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की तराई हिमालय पर्वत के नीचे में एक कपिलवस्तु नाम का एक सुंदर सा नगर था। यह नगर शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन की राजधानी थी। वह जो नगर किसका था? शाक्य वंश के जो राजा थे शुद्धोदन की राजधानी था। अब राजा शुद्धोदन की पटरानी माया देवी सुशील सुंदर और ईश्वर भक्त थी। उनकी जो पत्नी थी वह ईश्वर को बहुत मानती थी, उनकी पूजा अर्चना करती थी। ईसा से 463 वर्ष पूर्व उनके घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उन बालक का क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के जन्म से एक सप्ताह बाद ही माया देवी का देहांत हो गया। अब सिद्धार्थ के जन्म होने के एक हफ्ता उपरांत ही उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई। अब सिद्धार्थ का पालन गौतमी नाम की एक अन्य स्त्री वो करने लगी। गौतमी द्वारा पाले जाने से उन्हें गौतम भी कहा जाने लगा। अब उनकी गौतमी द्वारा पाले जाने के कारण उन्हें गौतम भी कहा जाने लगा। राजा सुबोधन ने पुत्र के लालन पालन और शिक्षा का सुंदर प्रबंध किया। राजा शुद्धोदन ने अपने पुत्र के पालन पोषण में कोई भी कमी नहीं की और उन्होंने सुंदर प्रबंध किया, उनकी व्यवस्था की उनके पढ़ाई के लिए, ताकि उनको किसी चीज की कमी ना हो। सिद्धार्थ पढ़ाई में अत्यंत निपुण था। वह सिद्धार्थ जो है वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, किंतु उनकी रुचि कहाँ थी? वैराग्य की ओर अधिक थी। पुत्र की इस वैराग्य रुचि को देखकर राजा ने 19 वर्ष की आयु में ही राजा धनपाणी की सुंदर कन्या यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह करा दिया। जब उनके पिता शुद्धोदन को लगा कि उनके पुत्र की जो रुचि है वो वैराग्य सन्यासी की ओर अधिक झुकाव हो रहा है, तो उन्होंने उनका विवाह यशोधरा से कर दिया। लगभग 10 वर्ष तक सिद्धार्थ गृहस्थ रहे। वह 10 वर्ष तक उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहे। उनका एक पुत्र भी हुआ, जिनका नाम राहुल रखा गया। राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय में वैराग्य की भावना तो पहले से ही थी, लेकिन कुछ घटनाओं ने इस भावना को और भी अधिक बढ़ा दिया। वे कौन सी घटना है आइए जानते हैं। उनके साथ पहली घटना कौन सी घटी? एक दिन सिद्धार्थ रथ पर बैठकर सैर के लिए निकले थे कि उनकी दृष्टि एक बूढ़े मनुष्य पर पड़ी। उनकी जो दृष्टि है वह एक जो बुजुर्ग व्यक्ति था उन पर पड़ी। बूढ़े की कमर झुकी हुई थी, वह लाठी के सहारे चल रहा था। राजकुमार ने सारथी से पूछा, क्या मुझे भी ऐसा बूढ़ा होना पड़ेगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, बुढ़ापा तो सबको आता है, आपको भी आएगा। यह सुनकर सिद्धार्थ उदास हो गए। वे
वहीं से महल लौट गए। उनकी बात सुनकर वे उदास हो गए कि एक दिन वह भी बूढ़ा हो जाएगा, वह भी कमर उनकी भी कमर झुक जाएगी, वह भी किसी के सहारे चलेगा। अब ये उनके जीवन की पहली घटना थी। अब आइए उसकी दूसरी घटना क्या हुआ उनके साथ। एक दिन जब वे घूमने निकले तो उनकी दृष्टि एक रोगी पर पड़ी जो पीड़ा से हरा रहा था। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या मुझे भी रोगी होना पड़ेगा? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, कभी न कभी किसी न किसी रोग का कष्ट भी व्यक्ति को उठाना पड़ता है। सारथी ने कहा कि राजकुमार, जीवन में हर किसी को कोई न कोई कष्ट अवश्य होता है और उसे उठाना ही पड़ता है। आपको भी उठाना पड़ सकता है आपके जीवन में कभी। सिद्धार्थ फिर उदास होकर घर लौट आए। उन्होंने फिर उनका उत्तर सुनकर उदास होकर फिर वापस अपनी महल की ओर लौट आए। अब तीसरी घटना क्या घटी? सिद्धार्थ गौतम के हृदय को तीसरा धक्का तो तब लगा जब उसकी दृष्टि एक धरती पर पड़ी। चार व्यक्ति कंधे पर शव को ले जा रहे थे। बहुत से लोग उदास मुद्रा में हाथी के साथ पीछे पीछे चल रहे थे। गौतम ने सारथी से पूछा, यह क्या है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह अर्थी है, इसमें मृत व्यक्ति का शव है। ये जो अर्थी है उसमें जो व्यक्ति मर चुका है उसको सभी लोग उठाकर ले जा रहे हैं। और कहाँ ले जा रहे हैं? लोग ये लोग इसे जलाने के लिए शमशान ले जा रहे हैं। यह जीवन की अंतिम यात्रा है। मृत्यु हो जाने पर शरीर शव हो जाता है और उसे जला दिया जाता है। उन्होंने उत्तर दिया कि व्यक्ति को एक न एक दिन अवश्य मरना होती, उनकी मृत्यु अवश्य होती है। क्या मृत्यु मुझे भी आएगी? क्या कभी यशोधरा भी मर जाएगी और उसका शरीर भी जला दिया जाएगा? ऐसा उन्होंने सारथी से पूछा। तो सारथी ने क्या उत्तर दिया? हाँ राजकुमार, आप भी, मैं भी, यशोधरा भी, हम सब एक न एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। संसार में जो आया है उसका जाना तो निश्चित है, जो जन्मा है उसका मरना भी निश्चित और अटल है। यह परम सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता, मौत से कोई नहीं बच सकता। ऐसा सारथी ने राजकुमार को उत्तर दिया। अब इस उत्तर को सुनकर सिद्धार्थ उदास हो गया। उनके इस उत्तर से सिद्धार्थ उदास हो गया और उसने रथ लौटाने को कहा। उन्होंने फिर से वापस अपनी महल की ओर आ गए। अब महल में आकर वह मृत्यु की समस्या पर विचार करने लगा कि एक दिन वह भी मर जाएगा और उसके परिवार लोग भी मर जाएंगे। और इस समस्या पर वह विचार करने लगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपने गौतम बुद्ध की जीवन की घटनाएं अपने सुनी। अब आगे की जो घटना है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे के जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। तब तक आज करेंगे आप कुछ गृह कार्य। प्रश्न पहला, महात्मा बुद्ध के माता पिता तथा उसके बचपन का नाम लिखिए। उनके माता का नाम और पिता का नाम आपको याद है ना? हाँ, तो उनके नाम आपको लिखने हैं। दूसरा, सिद्धार्थ की वैराग्य की भावना किन कारणों से बढ़ी? तीसरा, बचपन में सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया? चौथा, सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? पांचवा, सिद्धार्थ ने पहली बार सैर करते समय क्या देखा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के हल आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के जो पाठ है उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।